साथ ही हाथ बढ़ाना। जी हाँ, ये गाना हमने बचपन से सुना है कि साथ ही हाथ बढ़ाना। तो जरा सोचिए, जब 140 करोड़ भारतवासी साथ साथ मिलकर ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार तो हो ही जाएगी। वैसे हाथ यहाँ पर तो बटा रहे हैं छत्री प्रसाद भी। देखिए ना, अभी तक सावी के ही पुराने साथी थे छत्री प्रसाद, लेकिन अब क्योंकि नित्यम के दिन भी बुरे चल रहे है, तो ऐसे में इस बुरे वक्त में छत्री प्रसाद इज ऑल्सो साथी ऑफ नित्यम। कदम सावी का और एक कदम नित्यम का, जब मिलेगा तो जिंदगी का हर बुरा वक्त कट ही जाएगा। जैसे कि अब नित्यम ने ठान ली है कि वो सावी के साथ साथ अब छत्री प्रसाद को भी अपना हमसफर बनाएगा। नित्यम जो हमेशा सूट बूट में नजर आता था, अब वो बदल चुका है। देखिए कैसे छत्री प्रसाद पर बैठकर निकल पड़ी है संयम की सवारी। तो अब संयम की सवारी एकदम तैयार है, आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। बताइए कहाँ जाएंगे? जब हमारा कोई अपना हमारी जगह ले लेता है तो हमें इससे ज्यादा खुशी और कोई नहीं मिल सकती। तो छत्री प्रसाद हमेशा मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है और मुझे हमेशा बहुत गर्व रहा है। पहले वो मेरी पापा की ज़िंदगी का हिस्सा थे, उन्होंने हमारे घर को संभाला, फिर मैंने छत्री प्रसाद चलाकर अपनी अपने घर को संभाला। अब छत्री प्रसाद ने फिर से हमें बचा लिया है, मैंने तो चलाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब ऐसा है कि नित्यम ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने भी कहा है कि हम इसे संयम की सवारी बनाएंगे और हम दोनों इस पर दिहाड़ी पर जाएंगे, हम दोनों किसी तरह से बांट कर काम करेंगे। नित्यम की भी नौकरी ने उसे टाटा बाय बाय कर दिया है और घर की हालत पहले से भी खराब है। ऐसे में सावी ने तो ऑलरेडी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब जिम्मेदारियों के चलते नित्यम ने भी ठान ली है कि वो रिक्शा चलाएगा। रोजमर्रा की जरूरत तभी पूरी होगी जब नित्यम और सावी दोनों मिलकर काम करेंगे। और नित्यम जानता है कि हर काम का सम्मान होना चाहिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी है, तो अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे उनको सपोर्ट करना है, उनके साथ चलना है। नन्या की फीस है या इतने सारे खर्चे हैं, या हमने बोला हम यहाँ पे रहने का किराया देंगे, तो वो जो जिम्मेदारियाँ हैं वो जिम्मेदारियों का भार उठाने का नित्यम ने सोच लिया। और ये भी सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे सावी से जो मैंने वादा किया था, जो मैंने वचन लिया था, उसे मैं निभाऊँगा। तो इसलिए वो अब साथ निभाने के लिए, जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए नित्यम ने ये स्टैंड लिया कि वो अब आगे बढ़ेगा। जो भी काम है, जैसा भी काम है, जो कुछ भी करना पड़े वो काम तो करेगा। वो कहते हैं ना, जब हम सफर अच्छा मिल जाए तो जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है। जैसे कि सावी और नित्यम का आने वाला दिन जरूर अच्छा होगा। और वो कहते हैं ना, वक्त कैसा भी हो गुजर ही जाता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।